अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं अपने चैनल M4Math में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आप लोगों को हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। आज हम लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 यानी चैप्टर 8 एलिमिनेशन स्टडी करने वाले। तो चलो टाइम जाए किए बगैर चलते अपने टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ये इम्पोर्टेड क्वेश्चन है, ये हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एलिमिनेट ए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो हमें इक्वेशंस दी हुए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए इससे ए को एलिमिनेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जिसका फर्स्ट पार्ट 2a प्लस 3b माइनस 5 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है ए माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें इससे ए को एलिमिनेट करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह होता है कि आप इन दोनों इक्वेशन में से एक ए की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में पुट करो, लेकिन आप ख्याल रखो कि फ्रैक्शन से बचो। तो इसलिए आपने देखना है कि वो वाली इक्वेशन लो जिसमें ए के साथ कोफिशन कुछ भी ना हो, जैसे कि ऊपर वाले में ए के साथ 2 कोफिशन है। अगर हम ये इक्वेशन लेते हैं तो साथ में जो है फ्रैक्शन आएगा, तो इसलिए हम नीचे वाली इक्वेशन देखते हैं, इसमें हमारे पास ए के साथ कोई कोफिशन नहीं है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन आने के चांसेस नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 लेने पर तो a माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू माइनस 2b है उस साइड पे जाएगा प्लस 2b हो जाएगा, और प्लस 1 उस साइड पे जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। इसे हम कह देते इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन वो 3 से a की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो देखते हैं किस तरह 2a a की जगह हमारे पास 2b माइनस 1 प्लस 3b माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे आपके पास a एलिमिनेट हो गया, हमें a एलिमिनेट ही करना था, लेकिन हम इस इक्वेशन को और मजीद सॉल्व करेंगे ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। तो 2 2 4b माइनस 2 1 2 प्लस 3b माइनस 5 इज इक्वल टू 0 प्लस 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 4 3 7b माइनस माइनस प्लस 5 2 7 इक्वल टू 0। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो यहाँ से ए एलिमिनेट हो गया। अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एलिमिनेट टी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये भी इसी तरह करना है, टी को एलिमिनेट करें सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपके पास ये सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया हुआ है। अब आ जाते हैं फाइंड रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूज ऑफ द फार्मूला, यानी हमें फार्मूले का यूज करते हुए इससे इक्वेशन को इंडिपेंडेंट करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है एक्स, ये है एक्स प्लस
1 upon x is equals to 2b, equation number 1, or school x minus 1 upon x is equals to 2q plus 1, equation number 2. अब यूज ऑफ फार्मूला हमें करना है यहाँ पे. यूज ऑफ फार्मूला मतलब यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, जिसमें हम ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर दोनों इक्वेशन में यही करना है. तो किस तरह करते हैं देखते हैं. सॉल्यूशन सबसे पहले टेकिंग इक्वेशन वन. इक्वेशन वन हमने लिया. अब इस पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. स्क्वायर करने पे दोनों साइड पे तो x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b का स्क्वायर. अब a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b. ये x x से कट गया. x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, 4b स्क्वायर. अब प्लस 2 है उस साइड पे जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा. तो 4b स्क्वायर माइनस 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 हमने किया. अब हमने इक्वेशन नंबर 2 लेना है तो लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन 2. x minus 1 upon x is equals to 2q plus 1. अब फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. तो x minus 1 upon x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर. फार्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा तो a स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू. अब यहां पे भी a प्लस b का होल स्क्वायर यानी 2q का स्क्वायर प्लस 2q 1 प्लस 1 का स्क्वायर. x x से कट गया. x square minus 2 plus 1 upon x square is equals to 2 4 q square plus 2 to the 4 q or plus 1. Minus 2 is set by that of plus 2. वन और टू कितने हो गए? थ्री हो गए. इसको हमने इक्वेशन नंबर 4. अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर है, इक्वेशन 4 भी वो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर है, तो दोनों को क्या कर लेंगे? कंपेयर कर लेंगे. तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 तो क्या होगा? 4b स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3. यहाँ से आपका x क्या हो गया? इंडिपेंड हो गया. अब आप इसे अरेंज कर दो. 4b स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर चल रही माइनस 4q स्क्वायर माइनस 4q माइनस 2 ये माइनस 3 इक्वल टू 0. 4b स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर माइनस 4q माइनस माइनस प्लस और 2 और 3 5. तो ये आपके पास क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो गया बाय यूजिंग द फार्मूला. इसी तरह आप इसके सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हो, थर्ड भी कर सकते हो. थर्ड वाला मैं करा था जिसमें क्यूब का फार्मूला है. फिर आप फोर्थ खुद ही कर सकते हो. वही क्वेश्चन नंबर 4 में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स में इसका पार्ट 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जो पार्ट 3 है इसका, जो कि आपके पास दिया हुआ है.
x plus 1 upon x is equals to 2a. We have equation number 1. Okay, x cube plus 1 upon x cube is equals to b cube, equation number. इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि सेम एज इट इज वही चीज है, इसमें स्क्वायर का फार्मूला था, यहाँ पे हमें क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल करना है। इसलिए सॉल्यूशन हम लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन वन, तब यहाँ पे क्या है क्यूब का फार्मूला, तो हमने यहाँ पे क्यूब करना है क्योंकि क्यूब मौजूद है, तो हम लिखेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे क्यूब लेने पे, तो x प्लस 1 अपॉन x का क्यूब और 2a का क्यूब। अब यहाँ पे फार्मूला है a क्यूब a प्लस b का होल क्यूब, जो कि इक्वल है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b और 2 का क्यूब 8, 2 2 4 4 2 8, x x से कट गया, x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 3 x प्लस 1 अपॉन x, x प्लस 1 अपॉन x इसके इक्वल है 2a, x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब 3 2 6a इज इक्वल्स टू 8a क्यूब, x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब 8a क्यूब प्लस 6a इधर आ गया माइनस 6a, इक्वेशन नंबर 3। अगर आप देखो इक्वेशन 2 और 3 दोनों के लेफ्ट साइड जो एजेस है तो कंपेयर कर लो, लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को कंपेयर करने पे तो आ जाएगा p क्यूब इज इक्वल्स टू 8a क्यूब माइनस 6a, यहां से हमें x से क्या हो गया इंडिपेंडेंट। अब आप इसको तरतीब दो, 8a क्यूब प्लस का b क्यूब इज इक्वल टू माइनस का b क्यूब और माइनस 6a इज इक्वल्स टू 0, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेट टी फ्रॉम द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो फर्स्ट और दो ही पार्ट है इसके, फर्स्ट और सेकंड दोनों इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में जो सेकंड वाला आता है, तो इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट करा देता हूं। x इज इक्वल्स टू a 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस t square, इसको equation number 1, और फिर y is equals to b 1 minus t square upon 2t square, equation number 2। अब यहाँ से हमें t eliminate करना है, जो t eliminate करने के लिए आपको book में hint दिया हुआ है, वो hint ये है कि आप यहाँ से सबसे पहले हमने करना किस तरह है, solution टेक इक्वेशन वन, इक्वेशन वन दिया, x इज इक्वल्स टू a 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ के डिवाइड हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और मैं इस वैल्यूज को पलट के लिख देता हूँ ताकि हमारा एलसीएम सेम आएगा, जिसको इक्वेशन नंबर 3। अब इसी तरह टेक इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 ले लिया, तो y इज इक्वल्स टू बी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 टी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, बी आके डिवाइड हो गया, अब ये वैल्यूज भी पलट के दी, इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर दोनों के सेम आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, सब ट्रैक्टिंग इक्वेशन
equation 4 from equation 3 we get. तो क्या होगा a upon x minus b upon y is equals to 1 plus t square upon 1 minus t square फिर minus 2t square upon 1 minus t square. अब इसमें LCM ले लेंगे, LCM 1 minus t square, 1 minus t square minus t square कट गया तो 1 plus t square minus 1 minus t square minus t square कट गया तो 2t square. इसको अपनी जगह पे ऐसे ही अब 1 plus minus minus 2t से t गया तो 8t, 1 minus t square upon 1 minus t square a upon x b upon y ये सेम है कट जाएंगे तो ये a upon x minus b upon y is equals to 1. आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये t eliminate होगा जो कि एक important question है ये इसी method से होगा. चलते हैं अपने next important question की तरफ question number 8. अब हमारे पास नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एलिमिनेट y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन. हमें y एलिमिनेट करना है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो. तो सबसे बेस्ट ये है कि हम फार्मूले का मेथड यूज करें. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास y upon b plus b upon y is equals to 2c से इक्वेशन नंबर 1 और y स्क्वायर upon b स्क्वायर plus d square upon y square is equals to a square is equation number 2. अगर यहाँ पर भी कुछ कहा नहीं कि कौन से मेथड से करना है तो आप कोई भी मेथड कर सकते हो. लेकिन अगर आप देखो क्वेश्चन में तो नीचे वाले पे स्क्वायर है ऊपर वाले पे स्क्वायर नहीं है बाकी दोनों की लेफ्ट साइड एक जैसी है तो इसलिए हम लोग जो है क्या यूज करेंगे फार्मूला मेथड. तो फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं फर्स्ट इक्वेशन we can take equation 1 equation 1 दिया हम लोग ने और अब क्या कर देंगे squaring on both sides दोनों साइड पे स्क्वायर करने पर y upon b plus b upon y a square और 2c का अब फार्मूला a plus b का होल स्क्वायर a square plus 2ay upon b और b b upon y plus b square 2 का 4c square ये y y से कट गया ये b b से कट गया तो y square upon b square plus 2 प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वायर प्लस टू भी नहीं चाहिए उस साइड पे जाएंगे तो माइनस टू तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वायर प्लस टू आएंगे तो माइनस टू इक्वेशन नंबर. अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 और 3 की लेफ्ट साइड एक जैसी हो गई तो बाई कंपेयरिंग equation 2 and 3 we get तो क्या होगा a square is equal to 4c square minus 2 तो यहाँ से y eliminate हो गया plus 4c minus again minus 4c square minus 2 square plus 2 equal to 0. तो बाकी के इसके भी पार्ट आप इसी तरह कर सकते हो सेकंड पार्ट भी इसी तरह होगा. फर्स्ट इक्वेशन की आप स्क्वायरिंग लेंगे तो उसके साथ हो जाएगा इसी तरह बाकी के सेल भी आप कर सकते हो. अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. अब नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होते हैं. अल्लाह हाफिज़.